हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त शुभम मिश्रा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय शुभम सर में स्वागत करता हूं। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियर फिजन पढ़ लिया है। आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। इससे पहले के जितने लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे लेक्चर्स आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, मॉडर्न फिजिक्स के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वो सारे लेक्चर्स आप लगातार देखिए। यहाँ से जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है वो लगभग एमसीक्यू से और न्यूमेरिकल से बन सकता है। कल का जो लेक्चर होगा वो हमारा न्यूमेरिकल का होगा, और न्यूमेरिकल के बाद हम इस 7 लेक्चर में इस न्यूक्लियर फिजिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। वीडियो में आप जो कुछ ध्यान से सुनेंगे वही आपका बड़ा रोल निभाएगा एमसीक्यू में, तो इसीलिए आज के इस लेक्चर को भी ध्यान से सुनिए और इससे पहले का जो लेक्चर है उसे भी ध्यान से समझिए। चलिए हम पढ़ते हैं आज अपना टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने आपको अपने पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हमारा क्या करता है, लाइट न्यूक्लियाई से हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट। लेकिन यहां पर ऐसा क्या है ये समझिएगा, जो हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है वो हमारा हैवी न्यूक्लियाई से लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। और न्यूक्लियर फिजन के बारे में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि वो हमारा क्या करता है, वो लाइट न्यूक्लियाई से हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी दो न्यूक्लियाई एटम लें, कोई भी दो न्यूक्लियाई एटम लें, ये एटम वन है, ये एटम टू है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों मिलने के बाद क्या करेंगे, एक भारी भरकम न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। ये मैंने आपको बताना है और यही आपको न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब मैं आपको इस प्रोसेस को पढ़कर बताऊंगा, समझाऊंगा, आप ध्यान से इसको समझिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन इज दैट प्रोसेस इन विच द टू आर मोर देन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म द हैवियर न्यूक्लियस। कहने का मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो लाइट न्यूक्लियाई, जो बहुत हल्के न्यूक्लियाई होते हैं, हल्के न्यूक्लियाई का मतलब ये होता है बच्चों कि हल्के न्यूक्लियाई के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बैलेंसिंग फॉर्म में है, वो कम है, इसलिए उनको हम लोग लाइटर न्यूक्लियाई कह सकते हैं। मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, तो मैंने उसमें आपको बताया था ग्राफ के माध्यम से कि किस तरीके से कौन से लाइट न्यूक्लियाई हैं जिनका बाइंडिंग एनर्जी कम होता है और कौन से हैवी न्यूक्लियाई हैं जिनका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जब आएगा लिखने का टॉपिक, तो आप इतना लिखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज दैट प्रोसेस इन विच टू आर मोर देन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस। फिर आप इस तरह का कुछ फिगर बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लिखेंगे द सम ऑफ द मास ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ द टू लाइट न्यूक्लियाई। कहने का मतलब यह है कि जो हैवी न्यूक्लियस था, मतलब जो हैवी न्यूक्लियस है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भारी भरकम है, बहुत ज्यादा है, उसका मास दो लाइट न्यूक्लियाई, जब हैवी न्यूक्लियाई दो लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हुआ तो उसके मास से क्या है, कम है। आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा कि ऐसा क्या हुआ है कि जो हैवियर न्यूक्लियाई का मास है वो कम है, किससे, लाइट न्यूक्लियाई से। मतलब कि अगर आप देखें तो ये जो हैवी न्यूक्लियस है, इस हैवी न्यूक्लियस का मास क्या है, अगर ये हैवी न्यूक्लियस इन दोनों में ब्रेक हुआ है तो ब्रेक होने पर इस हैवी न्यूक्लियस का मास इससे कम है। अगर हैवी न्यूक्लियस का मान के मास चले एम डैश है और इन दोनों का मास हम कैपिटल एम मान के चल रहे हैं, तो एम डैश जो है वो कम है, किससे, कैपिटल एम से। ये इसलिए है बच्चों क्योंकि इसका जो सीधा सा जवाब है वो ये है, दिस मास डिफेक्ट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब कि जब हैवियर न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ तो उसके कन्वर्ट होने पर कहीं ना कहीं उसने एनर्जी रिलीज की, तो जो हैवी न्यूक्लियस का कुछ मास था वो मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, जिसे हम बोलते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये डेल्टा एम वही है जो आपको मैंने मास डिफेक्ट के बारे में बताया था, मास डिफेक्ट मैंने बताया था। यहां पर हम न्यूक्लियर फ्यूजन आपको फिर से पढ़ के समझा देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज दैट प्रोसेस इन विच टू आर मोर देन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस। कहने का मतलब हमें ये सिर्फ ध्यान रखना है कि जो दो या दो से ज्यादा जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, जब वो ब्रेक होकर हैवियर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं द सम ऑफ द मास ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इज लेस देन द मास ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। कहने का मतलब
The sum of mass of heavy nucleus, जो heavy nucleus का mass है, वो light nucleus के mass से क्या है? कम है, ऐसा कह रहे हैं। This mass defect appears in the form of energy. ये mass defect जो होगा, ये mass defect energy के form में convert होगा। कहने का मतलब कि जब दो light nuclei heavy nuclei में convert हुआ है, तो जब दो light nuclei heavy nuclei में convert हुआ, तो इस case में क्या होगा बच्चों? इस case में ये reaction करेगा और ये एक type की nuclear reaction करेगा, जिसके कारण यहाँ पर mass defect show होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, यही सेम एग्जांपल आपका सन के प्रोसेस में काम करेगा। अगर हम बात करें सन या स्टार, तो इन सब में जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शंस होती है बच्चों, वो रिएक्शन किसके फ्रेम में होती है? वो रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन के फ्रेम में होती है। बात करते हैं एग्जाम्पल, थ्री न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब, आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप का मतलब ये होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर ज्यादा हो। तो कहने का मतलब है, थ्री आइसोटोप हम लें, तो एक ले 1H2, दूसरा ले 1H1 और तीसरा ले 1H3। 1H2 को हम ड्यूट्रॉन बोलते हैं, 1H1 को हम मोनोट्रॉन बोलते हैं, या इसको हम 1H1 बोलते हैं, हाइड्रोजन ही बोलते हैं, और 1H3 को हम ट्राइटॉन बोलते हैं, ट्राइटियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो आप ड्यूट्रॉन याद रखिए, और इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं ट्राइट्रॉन, और इसको आप मोनोहाइड्रोजन बस याद रखिए। चलिए हम समझते हैं। हमने आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप न्यूक्लियाई लिए, पहला 1H2 1H1। तो हमने क्या किया कि जो ये ड्यूटेरियम था, जिसको हम लोग 1H2 बोलते हैं, ये फ्यूज हुआ किसमें? फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद इसने क्या बना दिया? हीलियम बना दिया। अब इसको हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल आप लिखेंगे, जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो उसमें एग्जांपल लिखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर बच्चों क्या किया है, हमने यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन में 1H2 और 1H2, मतलब कि हमने दो ड्यूट्रॉन्स लिए हैं। अब इन दो ड्यूट्रॉन्स, ये दोनों ड्यूट्रॉन्स क्या है? लाइट न्यूक्लियाई हैं। तो ये दोनों ड्यूट्रॉन्स मिल गए हैं, और मिलने के बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक 1H1 बनाया है, मतलब का एक इन्होंने एक हाइड्रोजन मोनोहाइड्रोजन बनाया है, और दूसरा इन्होंने क्या बनाया, 1H3 बनाया। और इस दौरान जो रिएक्शन हुई, उसमें 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की, क्या कहते हैं, एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। जब कोई भी रिएक्शंस होती हैं, तो उन रिएक्शंस में एनर्जी जरूर रिलीज होती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया कि दो ड्यूट्रॉन लिए, और उन दोनों ड्यूट्रॉन को जब फ्यूज कराया गया, तो फ्यूज कराने के बाद ये ट्राइटियम बनाया है, जिसे हम ट्राइट्रॉन भी बोलते हैं, और एक 1H1 बनाया, जिसे हम लोग मोनोहाइड्रोजन बोलते हैं, और 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। अब This triton combined to fuse third deuteron and form alpha particle. अब ये वाला जो आपको triton दिख रहा है, ये इसी को दोबारा 1H2 से क्या करना है, फिर से fuse करा देना है, फिर से इसको fuse करा देना है। तो जब आप फिर से इसको fuse कराएंगे, तो fuse कराने के बाद इधर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये वन बना टू, ये टू टू बना फोर, बन जाता पहले, लेकिन ऐसे अभी नहीं बनेगा, स्टेप वाइज बनेगा। वन है, यहाँ से एक वन निकला, 1H3 बन गया, ये 1H1 बन गया, इसको याद रखिए बिल्कुल। 1 यहाँ भी है 3 1 4 2 2 4 1, मतलब कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों बैलेंस है, इसका मतलब हमारी रिएक्शन सही है। उसके बाद 1S3, यहाँ पर 1S3 लिखा है, अगेन ये ट्राइट्रॉन जाएगा ड्यूटेरियम से टकराने, तो अगेन ये ड्यूट्रॉन जो है ट्राइट्रॉन से टकराएगा, जैसे टकराएगा तो ये 1 1 2 बना देगा, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये जो आपको दिख रहा है एक न्यूट्रॉन बन जाएगा, और 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमारी रिलीज हो जाएगी। पहले दो ड्यूट्रॉन से टू फ्यूज कराएंगे, तो हमारा ट्राइटॉन बनेगा, मोनोहाइड्रोजन बनेगा, और 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद यही ट्राइट्रॉन अगेन ड्यूट्रॉन से टकराएगा, टकराने के बाद ये अल्फा पार्टिकल बना देगा, जिसे हम लोग हीलियम एटम कहते हैं, और इसका सिंबल होता है 2He4। ये यहाँ पर न्यूट्रॉन बनाएगा, 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएगा। पिछली वाली रिएक्शन को हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, सेकंड वाली को हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्शंस को हम अलग लिख देंगे, राइट हैंड साइड के रिएक्शंस को हम अलग लिख देंगे। हम देख रहे हैं कि इस साइड 1S3 है और इस साइड 1S3 है, तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो इससे बढ़िया है हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, उनको हम बेंड अवे कर देते हैं, काट देते हैं, तो उन्हें हमने काट दिया है, जितना बचा है हमने उतना लिख दिया। ये जो फाइनल आपकी जो रिएक्शंस लिखी है, यही फाइनल रिएक्शंस आपकी क्या होती है, यही फाइनल रिएक्शंस आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस बताई जाती है, और यही न्यूक्लियर फ्यूजन की फाइनल रिएक्शन कहलाती है।
न्यूक्लियर फ्यूजन की ये फाइनल रिएक्शन है, तो जब भी पेपर में आएगा आप इसी तरीके से लिखेंगे। आपसे पूछेगा कि सन में कैसा फ्यूजन होता है, तो आप बस यही रिएक्शंस दे देंगे अगर, तो इस रिएक्शन से ही आपका सन वाला जो फ्यूजन है वो कंफर्म माना जाएगा। तो ये एग्जांपल आपका जो काम करेगा, ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल आपका फ्यूजन इन सन में भी काम करेगा। मतलब जो हमारा सूरज है उसमें भी यही रिएक्शन होती, फ्यूजन होता है, इस कारण सन भी हमारा जो हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के कारण एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा देता है। तो समझ लीजिए अगर न्यूक्लियर फ्यूजन ना हो रहा होता या न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हमें ना पता चल रहा होता, तो ये जो हमारा सूरज है ये सूरज ऊर्जा ना दे पा रहा होता। सूरज के अंदर भी कैसा प्रोसेस होता है, ये स्टार्स के अंदर भी कैसा प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का। बच्चों ये जो आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है या न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या ये किसी लैब में कराया जाता है, पॉसिबल है कि लैब में भी ये कराया जा सकता है, लेकिन उस होता क्या है कि जो हाई रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, अब आप पूछेंगे कि हाई रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, तो बच्चों हाई रेडियोएक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो कि अनस्टेबल है। पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में 118 एलिमेंट है और 1500 न्यूक्लियस एटम है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 276 एटम के न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है। तो इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और कई कई कारणों से कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं, जैसे अल्फा रेडिएशन हो गया, बीटा रेडिएशन हो गया, गामा रेडिएशन हो गया। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या नाम देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नाम देते हैं, और ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ही न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस देखने को मिलता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मैंने न्यूक्लियर फिजन के मॉडर्न फिजिक्स के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वो पूरा का पूरा आज का लेक्चर लेकर आप पूरा उसको कंप्लीट कर लें। जो बच्चे इस वीडियो में लगातार बने हुए हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम के पहले तक लगातार बने रहे हैं, आपको कंप्लीट वीडियो कंप्लीट न्यूमेरिकल कराया जाएगा, और जितना आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे बोर्ड में आपको वही देखने को मिलेगा। तो आई होप आपने आज के लेक्चर को बहुत इंजॉयबल तरीके से सुना होगा, समझा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला करें, भला हो सके। दैट इज़ द पावर ऑफ